बहस हुई थी। बहस के बाद जज साहब ने मैटर को रिजर्व किया था जजमेंट। हम अभी जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद जुबैर का काउंसिल हूँ, शौकिक बैनर्जी। अभी तक जज साहब लंच के बाद बैठे नहीं है, बट आई एम शॉक टू सी दैट द डीसीपी केपीएस मल्होत्रा हैज लीक्ड इन द मीडिया कि हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है और 14 दिन का जेसी ग्रांट हुआ है। आई हैव लर्नड दिस बाय लुकिंग एट ट्विटर पोस्ट ऑफ न्यूज चैनल्स हु आर रनिंग दिस न्यूज। देर आर सर्टेन लॉ रिपोर्टर्स हु हैव रन दिस न्यूज एंड दे आर ऑल साइटिंग केपीएस मल्होत्रा एज द सोर्स ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। इट इज एक्सट्रीमली स्कैंडलस एंड इट स्पीक्स ऑफ द स्टेटस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन आवर कंट्री टुडे एंड इवन बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज सैट and pronounced the order, the police has leaked the order to the media. How KPS Malhotra knows what the order is beyond me, and this calls for serious introspection. Sir, what is about the status what is of the statement of मैं मोहम्मद जुबैर का काउंसिल हूँ, शौकिक बैनर्जी। अभी तक जज साहब लंच के बाद बैठे नहीं है, बट आई एम शॉक्ड टू सी दैट द डीसीपी KPS Malhotra हैज लीक्ड इन द मीडिया कि हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है और 14 दिन का जेसी ग्रांट हुआ है। आई हैव लर्नड दिस बाय लुकिंग एट Twitter posts of news channels who are running this news. There are certain law reporters who have run this news and they are all citing KPS Malhotra as the source of this information. It is extremely scandalous and it speaks of the status of rule of law in our country today that even before the judicial magistrate has sat and pronounced the order, the police has leaked the order to the media. How KPS Malhotra knows what the order is.